الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بھائیو، بزرگو اور دوستو، ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کام کے لیے قبول فرما لے. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم سب یہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے کام کے لیے قبول فرما لے. ہمارے حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کرنے کام ہمیں اس طرح کرنے کی توفیق دے جس طرح کرنا اللہ کو پسند دے، جس طرح اللہ پاک چاہتے ہیں اور جس طرح کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کام اس طرح کرنے کی توفیق مراوت فرمائے. دعوت کے اس کام میں اور دعوت کے ان اعمال میں اللہ کا ایک نظام ہے، تربیت کا نظام ہے. دعوت کے اعمال تربیت کے اعمال ہیں اور دعوت کے اعمال میں اللہ کا ایک نظام ہے، تربیت کا نظام. تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ زندگی میں آ جائے، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے. جو اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، وہ زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، وہ زندگی سے نکل جائے. اس کا نام ہے تربیت. اور دعوت کے اس مبارک کام کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں تربیت کا بڑا نظام ہے. ہمارے بزرگوں میں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، یہ ان ابتدا کے علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں آئے، ان کے پاس رہے اور کام کو سمجھا. مولانا علی میاں صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب، یہ اس زمانے کے لوگوں میں ہیں جنہوں نے مولانا الیاس صاحب کے پاس رہ کر اس کو سمجھا. تو مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں
शुरू शुरू में जमाते लेकर जाया करता था, तो जो हिदायत दी जाती हैं वो मुझे बहुत अजीब लगती थी। जब जमा निकलने वाली जमातों को, अल्लाह के रास्ते में रवाना होने वाली जमातों को जो हिदायत दी जाती थी वो मुझे बहुत अजीब लगती थी और नई नई लगती थी। और हमको तो आदत पड़ गई है, रवानिएगा बयान, ये तो सुना हुआ है, कौन सी नई बात कहने जा रहे हैं, ये तो वही बातें दोहराएंगे जो हम भी करते हैं ना रवानगी में। लेकिन चूंकि वो शुरू का जमाना था तो मौलाना मंजूर साहब फरमाते हैं कि मुझे हर बात अजीब लगती थी, नई लगती थी। तो मैं उनको नोट कर लेता था, हालांकि मौलाना बड़े आलिम थे, हदीस की किताबें पढ़ाते थे नदवे में, मौलाना आलिमिया साहब तफसीर पढ़ाते थे, मौलाना मंजूर साहब हदीस पढ़ाते थे। तो फरमाते हैं कि मुझे नई नई बातें लगती थी, तो मैं उनको नोट कर लेता था और कई मर्तबा के बयानात को नोट करते करते वो 40 नंबर तक पहुंच गई थी बातें, जब वो साहिब इल्म थे तो उन्होंने उसको नंबर वार लिखा, तो फरमाने लगे कि वो 40 नंबर तक पहुंच गई। एक मरतबा मैं जमात लेकर रायपुर गया, रायपुर में हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़े बुजुर्गों में थे, हाजी साहब के भी पीर थे वो, हाजी अब्दुल वहाब साहब के, तो उनसे मेरा ताल्लुक था। जब मैं रायपुर गया तो हजरत की खिदमत में हाजिरी देने के लिए उनके खानखा में गया। जब वहां पर, ये मौलाना मंजूर साहब का बयान है, जब वहां पहुंचा तो मजलिस चल रही थी, हजरत की मजलिस हो रही थी, और मजलिस के आदाब में यह है कि आदमी बैठ जाए, जब मजलिस खत्म हो तो फिर सलाम करे, मुसाफा करे। तो मैं एक किनारे बैठ गया, जहां जगह मिली वहां एक किनारे बैठ गया। हजरत की निगाह पड़ी, हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की मेरे ऊपर निगाह पड़ी, तो मुझसे फरमाया कि मौली साहब कैसे आना हुआ, मौली साहब कैसे आना हुआ। तो मौलाना फरमाते हैं कि मैं सारी बात समझ गया, इसलिए कि इससे पहले जब भी मैं हजरत की खिदमत में हाजिर होता था तो पहले खत लिखता कि मैं फुलान तारीख को आना चाहता हूं, और हजरत की तरफ से जवाब आता इजाजत का, तो फिर मैं जाया करता था। अब ना इधर से खत गया ना उधर से जवाब आया, और एकदम से मामूल के खिलाफ बगैर इत्तला के और बगैर इजाजत के मजलिस में आके बैठ गए। तो कोई खास बात पेश आई, कोई इमरजेंसी पेश आई, जो फौरन आ गए हैं, क्या बात है। तो मौलाना मंजूर साहब ये सारी बात हजरत की दो बातों से समझ गए। अर्ज किया कि हजरत मैं एक जमात के साथ आया हूं, आलिमाना सवाल आलिमाना जवाब, हजरत मैं एक जमात के साथ आया हूं। तो हजरत को लोगों ने कुछ शिकायतें तबलीग वालों के बारे में कर रखी थी, आमतौर पर बुजुर्गों के पास शिकायत पहुंच जाती है, पहले शिकायत पहुंच जाती है, काम बाद में पहुंचता है। तो हजरत के करीब वालों ने तब जमात के बारे में कुछ शिकायतें कर रखी थी कि जाहिल लोग हैं, तबलीग करने निकल जाते हैं और मस्जिदों में जाकर डेरा डाल देते हैं, वहां खाते हैं पीते हैं सोते हैं,
तो ये हमारी जो कमजोरियां हैं, कबियां हैं, वो हजरत के सामने बयान कर रखी थी। तो जब हजरत ने सुना कि मौलाना मंजूर नुमानी साहब जैसा आलिम जमात लेकर आया है, तो हजरत को वो सारी बातें याद आ गई जो लोगों ने शिकायत की थी। क्या जाहिल होते हैं और तबलीग करने निकल जाते हैं, और ये तो इतना बड़ा आलिम आ गया तबलीग करने, मौलाना मंजूर साहब जैसा। अब आगे की बातें कि मस्जिद में डेरा डाल देते हैं, वहां खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो हजरत ने, हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह ने मौलाना मंजूर साहब से पूछा कि मलिक साहब, ये लोग जमातों में निकलकर क्या करते हैं? तो मौलाना ने अर्ज किया कि हजरत, जब ये निकलते हैं तो इनको कुछ बातें समझाई जाती हैं, निकलने से पहले कुछ बातें इनको समझाई जाती हैं, वो जमात में निकलकर उन बातों पर अमल करते हैं। तो फिर हजरत ने सवाल किया कि वली साहब, वो क्या बातें इनको बताई जाती हैं जिन पर ये जमात में निकलकर अमल करते हैं? तो मौलाना फरमाते हैं कि मुझे मौका मिल गया अब तफसील से बात करने का, क्योंकि सवाल ऐसा था। तो वो जो बातें हिदायत दी जाती थी जमातों में निकलने के वक्त पर, वो मैंने लिख रखी थी, एक एक करके पॉइंट पॉइंट लिख लिया था, और वो 40 नंबर तक पहुंच गया था। तो जब हजरत ने पूछा कि वो क्या बातें बताई जाती हैं जिन पर ये निकलकर अमल करते हैं, तो मैंने जेब से वो पर्चा निकाला, वो पर्चा मेरी जेब में रहता था, और मैं उसको अक्सर देखता रहता था कि काम इन्हीं हिदायत की रोशनी में हो और कोई चीज इनसे हटकर ना हो। तो मैं वक्तन फवक्तन वो पर्चा जेब से निकाल कर देखता रहता था। जब हजरत ने पूछा कि वो क्या बातें बताई जाती हैं जिन पर ये निकलकर अमल करते हैं, मैंने फौरन वो पर्चा निकाला और पर्चा निकालकर नंबर वार मैंने उसे गिनाना शुरू किया हजरत को, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, जो इन्होंने लिख रखा था, मुसलमान अमीर की इताअत करना, 24 घंटे के आमाल में लगना, ये जो कुछ भी बातें बताई थी आती हैं रवानगी में, तो वो मैंने मुरतब किया था, और मैंने फिर वो पर्चा निकाल कर एक एक करके पढ़ना शुरू किया। जब मैं 13 नंबर पर पहुंचा, और अभी कितने बाकी है जी, तो जब मैं 13 नंबर पर पहुंचा तो मेरे कान में हजरत की आवाज पड़ी कि मौली साहब बस है, मौली साहब बस है, 3 मर्तबा फरमाया मौली साहब बस है। क्योंकि मैं तो पर्चा देख रहा था, बाद में लोगों ने बताया कि तुम्हारी नजर हजरत के चेहरे की तरफ नहीं थी, तुम तो पर्चा देख के पढ़ते जा रहे थे और हम हजरत का चेहरा देख रहे थे। साथियों ने बताया कि हम हजरत का चेहरा देख रहे थे और तुम वो अपना वो कागज देखकर पढ़ रहे थे, तुम्हारी नजर नहीं थी हजरत के चेहरे पे, कि हर नंबर पर हजरत का चेहरा बदल रहा था, रंग बदल रहा था, कैफियत बदल रही थी। और जब तुम 13 नंबर पर पहुंचे तो तब जाके हजरत ने फरमाया है कि मौली साहब बस है, 3 मरतबा फरमाया मौली साहब बस है, और मैं रुक गया। तो फिर हजरत ने फरमाया कि मौली साहब, अगर ये ऐसा ही करते हैं जैसा इनको बताया गया है तो इनके वली हो जाने में कोई शक नहीं है, अगर ये वैसा ही करते हैं जैसा कि इनको बताया गया है तो जमात में निकलकर इनके वली हो जाने में कोई शक नहीं है। मजलिस खत्म हो गई उस पर, और वो मजलिस में जो थे वो अक्सर मौलाना के जानने वाले थे, उलमा, बड़े बड़े उलमा,
हजरत के खलफा सब मौलाना अक्सर हाजिर होते रहते थे, तो लोग हजरत मौलाना के जाने वाले थे, तो उन सब ने मुलाकातें करनी शुरू की, कहना शुरू किया कि मौलाना आज तो गजब हो गया, आज तो गजब हो गया। आप एक एक बात पढ़ते जाते थे और हजरत के चेहरे का रंग बदलता था, चेहरे पर असर जाहिर होता था, और जब चेहरा पर पहुंचे हैं आप तो तब आपको हजरत ने रोका है। तो मेरे भाई और बुजुर्गो और दोस्तों, मैं अर्ज करा था कि ये जिन अमाल को हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, ये इनमें तरबियत का बड़ा सामान है, इनमें हमारी तरबियत का बड़ा सामान है। लेकिन इसको एहतमाम से लेना और इस पर एहतमाम से अमल करना, एक है सरसरी सुन लेना, ये तो रवानगी की बात है, हम भी करते हैं, शेर और जमात हमारी मस्जिद से निकलती है उनको हम भी हिदायत देते हैं, और एक उनको एहतमाम से लेना। हमारे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि चार आमाल बड़ी तरबियत के आमाल हैं, चार काम चार आमाल वो बड़ी तरबियत के आमाल हैं। और मैंने अर्ज किया कि तरबियत कहते हैं उन सिफात को जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद है, उन सिफात का जिंदगी में आना, और जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है उससे कराहियत पैदा हो जाना, कि अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है उससे कराहियत पैदा हो जाना, और जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद है उससे रगबत पैदा हो जाना, रगबत। तो अब ऐसे फरमा करते थे कि चार अमाल ऐसे हैं कि जिनमें तरबियत का बड़ा सामान है। फरमाते थे उमूमी तालीम, उमूमी तालीम, कोई पढ़ रहा हो उसमें बैठना और अपनी जरूरत समझकर बैठना। उलमा ने लिखा है कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की मजलिस का अदब है, कि हुजूर के मजलिस में आदमी जाए तो किस अदब से बैठे, और जो हुजूर के रोजे पर, रोजे अकदस पर हाजिरी का अदब है, वही अदब हदीस की मजलिस में बैठकर हदीस सुनने का है, कि इस तरह सुने जैसे हुजूर की मजलिस में बैठा है, इस तरह सुने जैसे हुजूर के रोजे पर हाजिर हो रहा है। तो जो अदब हुजूर की मजलिस का है, जो अदब हुजूर के रोजे पर हाजिरी का है, वही अदब हुजूर की बातें हदीसें हदीस की मजलिस का है, उसमें हदीस बैठकर सुनने का अदब है। शैतान हर जगह अपना दाऊ लगाता है, दाऊ बड़े दाऊ है उसके पास, वो हर जगह दाऊ लगाता है। जैसे ही किताब शुरू होती है तो वो फुसफुसी करता है कान में, क्या करता है, ये हदीस तो सुनी हुई है, ये तो सुनी हुई है, और अगर सिलसिला आगे बढ़े तो ये कहता है कि ये तो मुझे याद भी है, और अगर ये सिलसिला आगे बढ़े तो फिर ये कहता है कि ये तो मैं बयान भी कर चुका हूं, जब चार महीने में निकला था कितनी बार तो ये हदीस मैंने बयान की थी, तो फिर वो कान उसके बंद हो जाते हैं। वो तलब नहीं रहती जो होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी सुनी हुई है, और सुनी हुई नहीं है ये तो याद भी है, और ये तो मैं बयान भी कर सकता हूं, ये शैतान का वार है। हालांकि अच्छा
हर नमाज में इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो चूंकि कई बार सुन चुके हैं तो इसलिए सुनने की जरूरत नहीं है उनको। उस हुजूर की बात, हमारी फजाइल की किताबों की तरतीब यह है कि हर अमल की फजीलत हजरत शेख ने पहले कुरान से बयान की है, वो आयतें जमा की हैं जिसमें उस अमल की फजीलत है, और फिर वो हदीसें जमा की हैं जिसमें उस अमल की फजीलत है, और जहां जहां तशरी की जरूरत है वहां उसे फायदे के नाम से उसकी अपनी तरफ से तशरी भी की है। तो जितना जितना इन बातों को हमारे हजरत फरमाया करते थे कि इसका तासुर लेना, तालीम का तासुर लेना, कि जो अमल सुनाया जा रहा है उस पर जो अज्र सवाब सुनाया जा रहा है उसका तासुर लेना। कैसे तासुर लेना? जैसे आदमी दुनिया की बातों का तासुर लेता है। अरे साहब मोहल्ले में कोरोना के केस हो गए, मोहल्ले में कोरोना के केस हो गए, अब देखो हर शख्स परेशान है कि एहतियात करो भाई, एहतियात करो, हमारे मोहल्ले में कोरोना के केस हो गए, छोटे बड़े बच्चे औरतें बुढ़े सब परेशान है। तासुर दुनिया की चीज का, दुनिया की बात का तासुर। तो हमारे हजरत फरमा करते थे कि एक तो उन फजाइल का इतना तासुर लेना कि वो अमल जिंदगी में आ जाए, जिस बात की दावत हदीस में दी गई है, जिस पर अजर व सवाब बताया गया है, वो जिंदगी में आ जाए, वो अमल जिंदा हो जाए। ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा ये है कि उस अमल पर जो वादा है उस वादे का अमल करते हुए इस्तेहजार हो, उस पर यकीन हो और उसका इस्तेहजार हो, उस वादे का यकीन भी हो, उस वादे का इस्तेहजार भी हो, और उसके मिलने के शौक में अमल करे। अब ये जरा बात गहरी हो जाती है, उसे मैं आसान करने के लिए कहता हूं कि मुलाजिमत पर जाने वाले रोजाना भी जाते हैं मुलाजिमत पर, और तनख्वाह वाले दिन भी मुलाजिमत पर जाते हैं, तो दोनों में कोई फर्क है नहीं है? मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी मुलाजिमत नहीं की, लेकिन सुना है कि आम दिनों में जो मुलाजिमत पर जाते हैं उसमें, और जो तनख्वाह वाले दिन मुलाजिमत पर जाते हैं उसमें, दोनों में कोई फर्क है नहीं है भाई? जो मुलाजिमत जिन्होंने की उन्होंने तो बताए हैं, थोड़ा है ज्यादा है बहुत फर्क है। आम दिनों में ऐसे जाते हैं कि मुलाजिमत एक मुसीबत है, रोज जाना वक्त पर जाना क्या मुसीबत है, तो रोज मुसीबत है, और तनख्वाह वाले दिन रहमत है। आज रहमत है, क्यों? आज उस जो कुछ किया है अमल उसका बदला मिलने वाला है, उसका यकीन है, उसका इंतजार है कि शाम को तनख्वाह लेके आऊंगा। तो अमल की कैफियत बदल जाती है, अमल वही है लेकिन उसकी कैफियत बदल जाती है। आम दिनों में जवान भी बुढ़े की तरह जाता है, और तनख्वाह वाले दिन बुढ़ा भी जवान हो जाता है। तो फरमाते थे कि एक तो यह है कि वो अमल जिंदगी में आए, ये पहला दर्जा है। अगर अब वो अमल जिंदगी में नहीं आया है, अभी हमने तासुर नहीं लिया उसका, सुन रहे हैं लेकिन अभी हमारे अंदर उसका असर नहीं हुआ, दवा का असर अभी नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं और 3 दिन खाओ एंटीबायोटिक्स, 5 दिन नहीं कुछ फायदा नहीं हुआ, 3 दिन और खाओ, तो अभी असर नहीं हुआ। असर कैसे पता चलेगा? कि वो जिंदगी में वो अमल आ जाए, ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा ये है कि उस पर जो अल्लाह के वादे हैं, रसूल के वादे हैं,
उन वादों का यकीन और उनके मिलने की उम्मीद में अमल करें, यह है इस्तेहज़ार। तो हमारे हज़रत फरमाते हैं कि तालीम में बड़ी तरबियत है, उमूमी चार अमल तरबियत के अमल है। तालीम, उमूमी तालीम, उमूमी तालीम के हलकों में तलब के साथ एहतियाज अपनी समझ कर बैठना। दूसरा, उमूमी गश्त, उमूमी गश्त में जाना। हजरत फरमाते थे कि यह तरबियत का बड़ा रास्ता है, उमूमी गश्त में तरबियत का बड़ा सामान है। आदमी के अंदर से तरबियत होती है, जितना जितना वो उमूमी गश्त में चलता है उसके अंदर से तरबियत होती है। तो बड़ा सामान है तरबियत का उमूमी गश्त, उमूमी तालीम, और उमूमी बयान में बैठना। किसी का भी बयान हो रहा हो, ये अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, तो उमूमी बयान में तलब के साथ बैठना। कितनी बातें हो गई? और उमूमी जमातों में जाना। अब उमूमी जमातों में जाना, मैं जरा तशरीह करता हूं उसकी। आमतौर पर ख्याल आता है कि भाई बुजुर्गों के साथ जाना चाहिए, बुजुर्गों के साथ जाना चाहिए। रायवंड के बुजुर्गों के साथ मौका मिले तो, और न मिले तो कम से कम हमारी मरकज की शूरा, और नहीं तो कम से कम हमारे जो बुजुर्ग हैं तो उनके साथ जमात पर जाना चाहिए। क्या है, आम लोगों के साथ जाने में इतना फायदा नहीं होता, बुजुर्गों के साथ जाना है। यह भी एक बड़ा शैतान का दाव है कि बुजुर्गों के साथ जाना। तो हजरत फरमाते थे कि उमूमी तालीम, उमूमी गश्त, उमूमी बयान सुनना, और उमूमी जमात में जिसमें जिसको कोई जानने वाला ना हो, पहचानने वाला ना हो, बस्ती में जाए तो लोग ना कहे फुलां आए हैं, फुलां आए हैं, आज जमात तो फुलां आए हैं, ये फुलां साहब आए, फुलां साहब आए हैं, नहीं एक जमात है, कौन है कोई नहीं जानता। तो उमूमी जमात है, और जी चाहता है, क्या चाहता है जी क्या चाहता है, आप बोलिए। बुजुर्गों के साथ जाना, बुजुर्गों के साथ अल्लाह मौका दे जाने का। आपकी खदरदानी ठीक है, वो हमारे एक बुजुर्ग थे, फरमाया करते थे कि एक आदमी गया पीर साहब के पास मुरीद होने के लिए। तो वो पीर साहब के पास गया, काफी देर बैठा रहा। बहुत देर के बाद पीर साहब ने उसे पूछा कि भाई क्यों आए हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। तो वो कहने, सीधा साधा आदमी था, वो कहने लगा कि हजरत मैं आया तो था मुरीद बनने, मगर अब तो जी चाहता है कि आप मुझे पीर ही बना दीजिए, क्योंकि मुरीद बनने में मजा नहीं है, मैं देख रहा हूं कि पीर बनने में मजा है। कोई सिर पे तेल लगा रहा है, कोई टांगे दबा रहा है, कोई टांगे दबा रहा है, कोई सिर पे तेल लगा रहा है, कोई हजरत को वजू करा रहा है। तो हजरत मैं आया तो था मुरीद बनने के लिए, लेकिन अब तो मेरा जी चाहता है कि आप मुझे। तो यह जज्बा है बुजुर्गों के साथ जाने का। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो हमारी इब्तिदा देखे, जो हमारी इब्तिदा देखे वो कामयाब, और जो हमारी इंतहा देखे वो नाकाम। हमारी इब्तिदा देखे वो तो होगा कामयाब, कि कैसे रगड़े लगे, कैसे पैदल चले, कैसे यार रायवंड वाला हूं। रायवंड में जो शुरू शुरू में हमारे बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि हमें तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था, पानी पीने का पानी लेने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था। तो इब्तिदा होती है वो उसको आदमी नहीं देखता, और जो आखिरी इम्तिहा होती है उसको देखता है। तो उसने कहा कि हजरत मैं आया तो था मुरीद बनने, लेकिन अब तो आप मुझे
तो मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, एक साथियों के साथ जुड़कर चलना और उनको जोड़ते हुए चलना, जुड़ना जोड़ना, न कटना न काटना, कटना नहीं काटना नहीं, ये बड़ा अहम उसूल है दावत का कि जुड़ना, जरा बोलो भाई, और जोड़ना, ना दूसरों को काटना ना साथियों से कटना। हमारे हाजी साहब ने एक मरतबा फरमाया कि मैंने एक दिन मौलाना अबैदुल्ला साहब से अर्ज किया कि मौली साहब, हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। हाजी साहब ने मौली साहब, मौली बदल्ला साहब से कहा कि मौली साहब, हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो मौलाना अबैदुल्ला साहब ने फरमाया कि भाई अब्दुल वहाब, ये कहो कि हमें साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता। हाजी साहब ने क्या कहा था? जोड़ना नहीं आता। कभी उनको जोड़ना नहीं आता। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब ने उसकी तस्ही की कि भाई अब्दुल्ला, यू कहो कि हमें साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता, जुड़ना नहीं आता। अरे वो नहीं जुड़ रहे, तुम जुड़ जाओ। हमारे एक साथी ने हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत, क्या अमीर को इसका इख्तियार है कि सब साथियों की राय के खिलाफ फैसला करें? सब साथियों की एक राय है, अमीर की अपनी एक राय है, तो क्या उसे इख्तियार है कि वो साथियों की राय के खिलाफ फैसला करे? तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई, इख्तियार तो है, लेकिन ये भी देख लो कि तुम्हारे साथी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तुम्हारे साथी तुम्हारी उस तुम्हारे उस फैसले को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो उन्होंने अर्ज किया कि हजरत, अगर वो ना माने तो, अगर वो ना माने तो, हजरत ने फरमाया कि भाई तुम ही उनकी मान लो, अगर वो ना माने तो तुम ही उनकी मान लो, अपने छोड़ दो, उनकी मान लो। तो एक बड़ा बुनियादी उसूल है। हाँ, हाजी साहब की बात पूरी नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद हाजी साहब कहने लगे कि कुछ दिनों के बाद, पहली बात मैं भूल गया, जो पहली बात हुई थी मौलाना अबैदुल्ला साहब से वो मैं भूल गया। फिर मैंने एक मरतबा अर्ज किया कि मौली साहब, हमें साथियों को चलाना नहीं आता, हमें अपने साथियों को चलाना नहीं आता। तो मौलाना अबैदुल्ला साहब ने तस्दीक की और फरमाया कि भाई अब्दुल्ला, ये कहो कि हमें साथियों के साथ चलना नहीं आता, हमें साथियों के साथ चलना नहीं आता। वही हजरत जी वाली बात कि वो ना माने तो क्या करो, क्या करो भाई, तुम मान लो। और एक बड़ी अहम बात यह है कि हमारे एक मुल्क के जिम्मेदार थे, बड़ा अल्लाह ने उनसे काम लिया और बहुत उन्होंने काम उठाया, अल्लाह ने काम लिया उनसे। तो वो कहा करते थे कि भाई, बड़े बड़े उसूल तो तुम लोग बयान करो, तीन उसूल मैं बयान करता हूं। वो कहते थे, बड़े बड़े उसूल तो तुम लोग बयान करो, तीन उसूल मैं बयान करता हूं। एक, जबान मीठी हो, जबान मीठी हो, मीठी, दिमाग ठंडा, दिमाग ठंडा, और दिल वसी। जबान मीठी, दिमाग
ठंडा और दिल वसी, ये जोड़ का जरिया है। जहां कहीं कहीं जहां कहीं इख्तिलाफ होगा, साथियों में इख्तिलाफ होगा, वहां इनमें से तीन में से किसी एक चीज पर असर पड़ा हो। जबान मीठी, करेले करेले की तरह कड़वी नहीं, जब बोलो तो ऐसा लगता है लड़ने बैठे। एक जगह निकाह हो रहा था तो कुछ देर थी निकाह में, किसी ने खारिज साहब से कहा कि खारिज साहब जरा कुरान शरीफ पढ़ दीजिए, बरकत हो जाएगी। तो खारिज साहब ने तिलावत शुरू की अत्तलाक मर्रतान से, अरे भाई सारे कुरान में तुम्हें यही आयत भी नहीं इस मौके पढ़ने के लिए, इस मौके पर पढ़ने के लिए सारे कुरान में तुम्हें यही आयत भी नहीं अत्तलाक मर्रतान। अरे हक है, सच है, सब सही है, कुरान की आयत है, हक है, सच है, लेकिन इस मौके की है मुनासिब है, इस मौके की है, बात सही है, हक है, लेकिन हक बात को मौके के साथ पेश करता। आमतौर पर जो इख्तिलाफ होता है काम करने वाले साथियों में, जो इख्तिलाफ होता है, क्योंकि यह एक मुंतखब मजमा है, ये पूरे मुल्क का एक मुंतखब मजमा है, चुना हुआ मजमा है, अल्लाह पाक ने इस मजमे को अपने काम में लगाया है और आप हजरात के हाथों अल्लाह पाक काम ले रहे हैं, अपने इलाकों में, अपने बराकिस में, अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में, किसी न किसी सतह पर यह एक जिम्मेदार मुंतखब मजमा है। तो आमतौर पर जो काम करने वालों में इख्तिलाफ होता है वो मशवरे में होता है, तालीम इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। वो जो चार आमाल तरबियत के मैंने बताए हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के फरमाए हुए कि तालीम कोई इख्तिलाफ नहीं, गश्त कोई इख्तिलाफ नहीं, जमात में जाना कोई इख्तिलाफ नहीं, बयान में बैठना कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ होता है आपस का इख्तिलाफ जाहिर होता है और बढ़ता है या खत्म होता है वो मशवरों में। रात को मेम साहब से घर वालों से कुछ खटपट हो गई, मैं मिसाल दे रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ, एक मिसाल दे रहा हूं, रात को कुछ खटपट हो गई और सुबह को उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अब क्या होते हैं स्ट्राइक हा? नहीं होते, तो सुबह को उन्होंने स्ट्राइक कर दी, रात को खटपट हुई, सुबह को स्ट्राइक की, क्या स्ट्राइक कर दी, समझ गए ना, ना नाश्ता दिया ना चाय की प्याली दी कम से कम, और जाना था मशवरे में, अहम मशवरा था, इंतजार की गुंजाइश नहीं थी, ऐसे ही रूखे मुंह निकल पड़े। होटल में पीने को जी नहीं चाहा कि लोग देखेंगे तो पूछेंगे, बोले साहब क्या बात है आज घर में चाय नहीं मिली, क्या कोई नाराज है बेगम साहिबा, तो ये जाहिर भी नहीं करना था कि घर में ऐसा हो गया है कि आज नाराज होकर उन्होंने स्ट्राइक की हुई आज। तो होटल में कहे नाश्ता करे चाय पिए तो सब जाहिर हो जाएगा, तो ऐसे सीधे आके मशरे में बैठ गए। अब कोई बस बात चली तो इन्होंने एक राय दी और वो राय भी गैस के साथ निकलती है क्योंकि अंदर गैस भरा हुआ है, तो गैस के साथ निकलती है।
अच्छा इन्होंने जब राय दी तो सामने वाले ने इनके खिलाफ राय दे दी, अब जो अंदर गैस भरा हुआ था वो निकल गया। अमीर साहब देखिए, अल्लाह जानता है कि जब भी मैं राय देता हूं ये हमेशा मेरे खिलाफ बोलता है, हमेशा जब भी मैं कोई राय देता हूं तो ये जो बैठी ना ये साहब हमेशा मेरे खिलाफ बोलते हैं। अमीर साहब या ये रहेंगे या मैं रहूंगा, दोनों साथ नहीं बैठ सकते। अब अगर खुदा ना खास्ता वो सामने वाला भी इसी हाल में आया है जिस हाल में ये आए हैं, अब समझ गए ना वो हाल क्या है। खुदा ना खास्ता अगर वो सामने वाला भी उसी हाल में आया है जिस हाल में ये आए हैं तो दोनों सिलेंडर टकरा के फट गए और मस्जिद की जमात खत्म। दो सिलेंडर टकरा गए ना, तो शैतान ऐसी शक्ल पैदा करता है कि साथी आपस में टूटे, और जो खैर इतनी बड़ी वजूद पे आ रही है वो खैर इनके हाथों से निकले। तो अपने जज्बात पर काबू पाना, जज्बात पर उठना नहीं है, जज्बात को काबू में रखना है और ये देखना है कि भाई मेरे किसी लफ्ज से कोई लफ्ज कोई कौल कोई फैल हमसे ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से इस अजीम काम को कोई नुकसान पहुंचे, हमारी जात से कोई जबान से कोई लफ्ज और हमसे कोई फैल ना हो कि जिससे काम को, हाँ वो करें जिससे काम को नफा पहुंचे और वो न करें जिससे काम को। वाकया मशहूर है हजरत खालिद और हजरत उमर का कि रात को अंधेरे में एक साहब ने हजरत उमर से बात की और हजरत उमर को खालिद समझ के बात की कि दोनों की यानी खद और दोनों का वो एक बहुत एक दूसरे से दोनों मिलते जुलते थे। तो रात का अंधेरा था तो एक आदमी ने एक साहबी ने हजरत उमर से बात की और हजरत उमर को हजरत खालिद समझा और ये बात की कि उमर ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। किसको कह रहे हैं? हजरत उमर को ही कह रहे हैं, उमर ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, तुम्हारा हक मारा, अल्लाह की तलवार को उसने नयाम में डाल दिया। और हजरत उमर हूं हां करते जा रहे हैं, हूं हां पता चले अंदर क्या क्या है। और जब सब कह चुके हैं तो हजरत उमर ने पूछा कि ठीक है क्या करना है? उन्होंने कहा क्या करना है, बस अमीर की इताअत करनी है। सुबह को नमाज में फजर की नमाज पढ़कर हजरत उमर ने उनका नाम लेकर उनसे पूछा कि रात तुम्हारी खालिद से क्या बात हुई? अब मुझे याद नहीं आ रहा है उन साहबी का। अलखमा अलखमा रात को क्या बात हुई तुम्हारी खालिद से? अच्छा हजरत अलखमा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, बात तो दूर की बात है उनसे तो मुलाकात भी नहीं हुई। तो हजरत अलकमा खड़े हुए कहने लगे खालिद मस्जिद में झूठ बोलते हो, अरे रात को तुम्हारी मेरी बात नहीं हुई, क्या मैंने तुमसे ये कहा कि तुम खालिद ने तो उमर अमीर मोमिनी ने तुम्हारे पर ज्यादा थी कि तुम्हें माजूल किया, अल्लाह की सती हुई तलवार को म्यान में कर दिया, रात को तुम्हारी मेरी बात नहीं हुई, अरे इतना झूठ बोलते हो। हजरत खालिद कहने लगे तुम झूठ बोलते हो, मेरी तो मुलाकात भी नहीं हुई तुम्हारे से। अच्छा किसके साथ बात हुई थी ये रात को? तो कैसा मौका था दोनों को लड़ा देने का। हजरत उमर ने फरमाया क्या अलखमा
तुम ही सही कहते हो, खालिद भी सही कहते हैं, रात को तुमने मुझसे बात की थी खालिद समझकर। कैसे बड़े दिल थे उनके। जब हम कह रहे हैं भाई हम दावत का काम कर रहे हैं, साहब ये तो नबियों का काम है, साहबा का काम है, तो मेरे भाइयों हमको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें उनकी सिफात भी नसीब फरमाए। कि हर गाड़ी अपने पेट्रोल से चलती है, हर गाड़ी का पेट्रोल अलग अलग है, हर गाड़ी अपने पेट्रोल से चलती है, एक गाड़ी डीजल से चलती है, एक गाड़ी पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे तो इंजन जाम हो जाता है, फिर खोल के वो सारा डीजल निकालना पड़ता है, फिर साफ करना पड़ता है, क्यों कि अंदर गलत सुविधा चली गई है। तो भाई जबान जोड़ने वाली हो। उसके लिए मैंने यह किस्सा सुनाया कि हजरत उमर ने फिर दोनों को जोड़ दिया और खुद भी जुड़ गए। हालांकि ये मौका था अच्छा कि लड़ा देते दोनों। तो जबान जोड़ने वाली, खींची की तरह नहीं कि जिधर से गुजरी उधर से काट दिया, जिधर से गुजरी उधर फाड़ती चली गई। तो जज्बात पर काम, जज्बात पर खेलने का नहीं है काम, जज्बात को काबू में रखने का है। हुजूर ने दुआ मांगी है कि अल्लाह अल्लाहुम्मा अग्निना बिल इल्म वज़य्यिना बिल हिल्म, वज़य्यिना बिल हिल्म, अल्लाह मुझे हिल्म दे, तहम्मुल बर्दाश्त। हालांकि हुजूर से बढ़कर बर्दाश्त तहम्मुल किसको हो सकता है, ये उम्मत की तालीम के लिए है, हमारे कहा हम हमारी तालीम के लिए है। हुजूर की दुआएं, जैसे रात मौलाना फरमा रहे थे कि हुजूर की दुआएं हमारी तालीम के लिए है कि अल्लाह अल्लाहुम्मा अग्निना बिल इल्म वज़य्यिना बिल हिल्म, हमें हिल्म दे, हिल्म दे, बर्दाश्त दे, तहम्मुल दे। तो ये मीठी ज़बान जोड़ने वाली, खींची की तरह काटने वाली नहीं, या दूसरों को काट दिया या खुद कट गए, या दूसरों को काट दिया या खुद कट गए, ना दूसरों को काटना है ना खुद कटना है, जुड़ना है और जोड़ना है, ना कटना है ना काटना। दूसरी बात, वो जो कहा करते थे कि सर ठंडा हो, ऐसा नहीं जैसे तेल की कड़ाई पक रही है हर वक्त, जरा सा कोई पानी का छिड़का पड़ गया तो क्या होता है, तेल की कड़ाई में अगर कोई जरा सा पानी छिड़क दे तो क्या होता है, यूं बाहर निकलता है वो, खुद रखा चेहरे पर पड़ गया तो कई दिनों तक के लिए जख्मी। तो दिमाग जो है वो ऐसा हो कि कोई कुछ कहे, जैसे बर्फ की सिल है, किसी का असर ही नहीं होता। यहां तो तेल की कढ़ाई में चंद पानी के कतरे छिड़क दो तो वो वापस आते हैं, और बर्फ की सिल, वो जो वेल्डिंग करते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, चिंगारियां निकल रही हैं, वो चिंगारियां भी अगर बर्फ की सिल पर पड़े तो क्या होता है भाई, वो चिंगारियां बुझ जाती हैं, और अगर वही चिंगारियां तेल पर पड़े तो पता नहीं कितनों को नुकसान पहुंचा दे। तो दिमाग ऐसा ठंडा हो जैसे बर्फ की सील है, कोई कुछ कहे असर ही नहीं होता, कोई कुछ कहे उसका कोई असर ही नहीं पड़ता।
ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात पर वापस ऐसे जोर से आई वो पानी की छींट के चेहरे में पड़ी तो चेहरा खराब हो गया। तो भाई ये हमारा अल्लाह नसीब फरमाए दिमाग ठंडा हो। एक साहब ने तारुफ कराया एक साहब का कि ये हमारे मोहल्ले के बड़े सरगर्म कारकुन है, बड़े सरगर्म कारकुन है। तो मैंने कहा भाई सर तो ठंडा होना चाहिए, हाँ पांव गर्म हो। सर तो ठंडा होना चाहिए, पांव गर्म हो। बड़े गश्तों में जाते हैं, बड़े मुलाकातों में जाते हैं, बड़े ढाई घंटे लगाते हैं, इनके हिस्से में जितने घर आए वो दो दो मरतबा उन घरों पर होकर आ गए, पांव गर्म है लेकिन सर ठंडा। और तीसरी बात यह है कि दिल वसी हो, जबान मीठी, सर ठंडा और दिल वसी। हम कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल का काम है, तो भाई उनके यहां तो इतना दिल वसी था, इतना दिल वसी था कि हुजूर के यहां मुनाफिकीन तक के लिए जगह थी। बाज मसलियतों से आपने हजरत हुजैफा को मुनाफिकीन के नाम बताए, वरना आपने अपने करीबी साहबा को तक नहीं बताया कि मुनाफिकीन कौन है। हालांकि आप जानते थे, समझते थे, आपको पता था, आप जानते थे कि मजलिस में कौन मुनाफिकीन बैठे हैं, लेकिन आपने अपने करीबी साथियों को भी अपनी अपने रवैये से भी यह जाहिर होने नहीं दिया कि इनमें कौन कौन मुनाफिक है। हुजूर ने अपने रवैये से भी कभी यह जाहिर नहीं होने दिया कि हुजूर इनको पसंद नहीं करते, हुजूर इनको पसंद नहीं करते कि ये लोग मुनाफिक है। तो मुनाफिकीन तक के लिए हुजूर के सीधे में जगह थी। तो भाइयों हमें आपके साथियों के लिए भी अपने सीने में जगह पैदा करनी चाहिए, अपने साथियों के लिए भी अपने सीने में जगह पैदा करनी चाहिए। छोटी सी गलती होती है किसी साथी से, शैतान उसे बड़ी बना के दिखाता है। वो एक आईना होता है ना, यूं करो तो बड़ा दिखता है, यूं करो तो एक तरफ छोटा दिखता है दूसरी तरफ बड़ा दिखता है। तो शैतान जो है वो जरा सी गलती हो जाए तो उसे बड़ा आईना दिखाता है, देखो कितनी बुढ़ी है ये, वो खूबी हो तो उसे छोटा दिखाता है, ये तो कुछ भी नहीं है। हदीस में दुआ मांगी गई है कि अल्लाह मुझे ऐसे साथी से, اللهم اني اعوذ بك من خير ارا حسنه دفنها وارا سيئه افشاها। अल्लाह मुझे ऐसे दोस्त से पनाह दे कि जो ارا حسنه دفنها, कि वो मेरी खूबी देखता है तो उसे छुपा देता है, और मेरी गलती देखता है तो अफशाह उसे फैलाता फिरता है। ऐसे दोस्त से हदीस में पना मांगी गई है कि जो गलती दे, खूबी देखे तो दफन कर दे, छुपा दे, और गलती देखे तो फैलाए। तो भाई एक अहम बात यह है कि अपनी मस्जिद की जमात और अपनी मस्जिद के साथियों से जुड़े रहना है। माहौल के बगैर आदमी चल नहीं सकता, माहौल चाहिए, एक माहौल चाहिए, माहौल के बगैर आदमी चल नहीं सकता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है कि जहां फिसलन होती है वहां चोटी भी फिसल जाती है, हाथी भी फिसल जाता है, फिसलन है।
ऐसा नहीं है कि ये फिसलाना है तो चूटी तो फिसल जाएगी और हाथी इतना मोटा है ताजा वो कहां से फिसलेगा, नहीं वो इतने जोर से फिसलेगा कि हड्डी पसली टूट जाएगी। तो जब फिसलन होती है वहां चूटी भी फिसल जाती है हाथी भी फिसल जाता है। तो आज हम ऐसे ही जमाने में हैं कि अगर हमारा साथ माहौल ना हो तो फिर हम तनहा चल नहीं सकते, माहौल के बगैर हम तनहा चल नहीं सकते। और हमारा माहौल हमारे साथी हैं, हमारा माहौल हमारे साथी हैं। अगर हम हमारे साथियों के साथ हैं तो हमारा माहौल है, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे, वो हमें संभाल लेंगे, हम उन्हें संभाल लेंगे, सब मिलकर एक दूसरे को संभाल लेंगे। तो ये हमारा माहौल है मस्जिद की जमात, तो उनके साथ जुड़े रहना है जी चाहे या ना चाहे। तामनासी बातें होती हैं, इंसान है हम सब इंसान हैं, हमसे गलती होना मुमकिन है, साथियों से भी गलती होना मुमकिन है। लेकिन वही बात इर्रा हसनतन दफा बहिर्रा सैयतन अफशाह, नहीं उसकी खूबी देखो बताओ, उसकी कमजोरी देखो दफन कर दो। अपनी मस्जिद के जमात के साथ जुड़े रहना है और जुड़कर चलना है इस माहौल के बगैर। अल्लाह बाप फरमाए, रात मौलाना फरमा रहे थे कि फल अगर दरख्त से टूट गया कट गया या टूट गया या टूट कर फिर वो कट गया तो फिर वो जहां जहां कटा वहां कीड़े पड़ेंगे, जहां से कटा है वहां कीड़े पड़ेंगे, कोई खाएगा नहीं उसे। तो अगर हम कट गए तो फिर कीड़े पड़ेंगे, जो आना चाहिए वो आएगा नहीं और जो नहीं आना चाहिए वो आता चला जाएगा। तो इसलिए भाई खुद भी जुड़े रहना है, साथियों को भी जोड़े रखना है। कोई लफ्ज मेरी जबान से ऐसा न निकले कि जो साथियों के तोड़ का जरिया बने। हां ऐसी बात हो कि जो उनके जोड़ का जरिया बने, जुड़ने का जरिया बने। हदीस शरीफ में आता है कि कयामत में अल्लाह ताला जो इनाम देंगे एक आदमी को, बहुत बड़ा इनाम होगा, वो उसके अमलों से ज्यादा होगा, बड़ा हुआ नजर आएगा। वो पूछेगा कि अल्लाह ये किस अमल की जजा में है, तो कहा जाएगा कि तेरे वो बोल जिन्होंने दो आदमियों में आपस में जोड़ पैदा कर दिया उसका ये इनाम है। जिसको उसको खुद भी ताज्जुब होगा कि इतना बड़ा आलम इनाम मुझे जो मिल रहा है, जजा जो मिल रही है, ये किस अमल की मिल रही है। वो पूछेगा कि किस अमल की ये इतनी बड़ी जजा है, तो कहा जाएगा कि तेरे वो बोल जिन्होंने आपस में लोगों में जोड़ पैदा कराया, ये उसकी जजा है। हालात दुनिया में बदलते रहते हैं, दुनिया हालात की जगह है, ये हालात की भी जगह है, ये इम्तिहान की भी जगह है। दुनिया हालात की भी जगह है, दुनिया इम्तिहान की भी जगह है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ हालात लाकर इंसानों का इम्तिहान लेते हैं और अपने बंदों को इम्तिहान में डालते हैं मुख्तलिफ हालात लाकर। वो तो जन्नत है जहां एक हाल होगा, जहां कभी हाल बदलेगा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया से फरमाया कि बड़ी भी बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, और वो बेचारी रोती बढ़ गई कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, मैं तो बुढ़ी हो गई, मैं कैसे जन्नत में जाऊंगी।
तो हुजूर ने उनसे उनको तसल्ली दी, फरमाया कि बड़ी भी इंशाल्लाह तुम जन्नत में जाओगी, लेकिन ऐसी बुढ़ी बुढ़ी नहीं जाओगी, अल्लाह तुम्हें जवान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। तो वो तो जन्नत है जहां बुढ़ापा नहीं, जहां जहां गम नहीं, हर वक्त खुशी है गम नहीं, दुनिया में खुशी भी है गम भी है, सेहत भी है बीमारी भी है। हाँ, जन्नत पे कोरोना नहीं है, कोविड कोरोना ये सब आला बला, ये सब आला बला कहाँ है, सब दुनिया में है, सब आला बला, वहां ना कोई कोविड है ना कोई कोरोना है, वहां सब सेहतमंद होंगे, कोई बीमार नहीं होगा, वहां सब खुश होंगे, कोई गम नहीं होगा, वहां सब जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा, उसने यूसुफ देगा अल्लाह हर एक को, ऐसे नहीं होंगे सब कोई काला कोई पीला, अल्लाह सबको उसने यूसुफ देगा। दुनिया ये तो हालात की जगह है, खुशी भी है गम भी है, सेहत भी है बीमारी भी है, जवानी भी है बुढ़ापा भी है, दिन भी है रात भी है, अल्लाह सबको इन हालात से गुजारता है, अच्छों को भी गुजारता है बुरों को भी गुजारता है। अल्लाह ताला ये नहीं है कि सिर्फ गुनाहगारों का इम्तिहान लेता है, नेक लोगों को भी इम्तिहान से गुजारता है, मांगना नहीं इम्तिहान अल्लाह से आफियत मांगनी है, क्यों कि हम किसी इम्तिहान के काबिल नहीं है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है। नबियों का इम्तिहान लिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, अल्लाह ने उनको जमीन पर अपना दोस्त फरमाया, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि जमीन पर मेरा दोस्त है कौन, इब्राहिम, लेकिन उनको भी इम्तिहान से गुजारा, वइज़्ज़तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्म, तो अल्लाह ताला नबियों को भी इम्तिहान से गुजारते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उनका सब्र मशहूर है, सब्र अय्यूबी महावरा है, सब्र अय्यूबी, उनको बीमारियों से गुजारा, ऐसी बीमारी कि वो गांव से निकलकर पहाड़ के एक गार में उन्होंने पनाह ली, जैसे किसी बीमार को आइसोलेशन करते हैं आइसोलेशन, तो वो पहाड़ का गार अय्यूब अलैहिस्सलाम का क्वारंटाइन था, क्या क्वारंटाइन, क्वारंटाइन में रहे पहाड़ के गार में, सब ने साथ छोड़ दिया, हालात अच्छे होते हैं सब साथ देते हैं, हालात बिगड़ते हैं तो सब साथ छोड़ देते हैं, तो वो अकेले घर के पहाड़ के घर के रहे, बीवी एक बीवी वो साथ देती रही आखिर तक, तकलीफ पड़ी तो उन्होंने दुआ मांगी, सब्र का प्याला छिलक गया, सब्र अय्यूबी प्याला छिलक गया, दुआ मांगी उन्होंने, कुरान करीम में है दुआ, उनकी दुआ मांगी हुई है, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर वअंत अरहमुर राहिमीन, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर वअंत अरहमुर राहिमीन, इस बीमारी ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मुझे तकलीफ हो रही है बहुत, और तू बड़ा रहम करने वाला है, अरहमुर राहिमीन बड़ा रहम करने वाला है, तो अल्लाह पाक ने उनके लिए एक चश्मा जारी किया और फरमाया कि इसमें गुस्ल करो, जब उन्होंने गुस्ल किया सब बीमारियां दूर हो गई, वो चश्मा वो तुर्की में है, वो गार भी और वो चश्मा भी, हम आज गए थे जमात में तो हमने वो देखा, वो लोग उसकी ज़ियारत करते हैं गार की,
حضرت ایوب علیہ السلام نے یہاں بیماری کے دن کاٹے تھے, اور وہ چشمے کا پانی جس سے انہیں صحت ملی تھی وہ پیتے ہیں, کیا نام ہے, بھر بھر کے لے جاتے ہیں تبرکن بیماروں کو نہلاتے لے جا کے. ہم نے بھی پیا پانی, وہ ہم نے بھی وہ وار دیکھا, ترکی میں ہے شام کی سرحد پر, وہ پانی ہم نے بھی پیا, ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی. آپ کے یہاں کا مشہور پانی کون سا ہے؟ بوٹل واٹر. وہ سب باٹل کے واٹر ہیں نا, وہ اس کے سامنے جھک مارتے ہیں, اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی, ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی, ایسا لذیذ. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتے ہیں, ان کو بھی حالات سے گزار کر ان کا امتحان لیتے ہیں. ہاں ایک فرق ہے, بعض مرتبہ خیال آتا ہے کہ کیا ہوا, دیکھو کتنے اچھے آدمی, کتنی قربانیاں دی, ملکوں میں گئے, پیدل جماعتوں میں پھرے, کتنا دین کا کام کرتے ہیں, کیوں بھی بیمار ہو گئے, پھر بھی کرونا ہو گیا ان کو. کبھی خود کو بھی خیال آتا ہے کہ اللہ ہم نے کیا قصور کیا تھا, تیرے راستے میں پھرے, پیدل گئے, جماعتوں میں گئے, پھر بھی حال آیا. تو بھائی یہ ایک اللہ کی حکمت ہے, پھر بدلنا, حال کو بدلنا وہ اللہ کی قدرت ہے. ہاں نیکوں پر بھی آتے ہیں, بروں پر بھی آتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ نیکوں پر حالات, دیکھیں ایک پنجرا ہوتا ہے پرندے کا, طوطا, بٹیر, مینا, چڑیا پنجرے میں رکھتے ہیں, اور ایک پنجرا ہوتا ہے چوہے کو پکڑنے کا. تو چوہے کا پنجرا اور کبوتر کا پنجرا, پرندے کا پنجرا, دونوں برابر ہیں؟ وہ بھی پنجرا ہے, یہ بھی پنجرا ہے, لیکن دونوں برابر نہیں ہیں. ایک پنجرا حفاظت کے لیے ہے, دوسرا ہلاکت کے لیے ہے. پرندے کا پنجرا ہلاکت کے لیے ہے, پیار سے ہے, محبت سے ہے, اس کا پکارنا پیار آتا ہے, اس کی آواز پر پیار آتا ہے, اس کے پکارنے پر پیار آتا ہے. تو پرندے کا پنجرا پیار سے ہے, اس کی آواز پر پیار آتا ہے, اس کے پکارنے پر پیار آتا ہے, وہ اس کی حفاظت کے لیے کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مار دے پرندے کو, پنجرا کو, طوطے کو, مینا کو, بلی ہاتھ نہ مار دے. اور چوہے کا پنجرا وہ بھی محبت سے ہے, وہ نفرت سے ہے. وہ جب قابو میں آ جاتا ہے تو پھر دیکھو وہ گھر والی کیسے مارتی ہے اسے, بچوں کے کتابیں قطر ڈالی لے, ان کے اسکول کے یونیفارم قطر ڈالے مر سے, کیسے غصہ اتارتی ہے. تو پرندے دونوں پرندے ہیں, یہ دونوں پنجرے ہیں, لیکن ایک پنجرا حفاظت کے لیے, دوسرا ہلاکت کے لیے. ایک پنجرا محبت سے, پیار سے, دوسرا پنجرا نفرت سے, غصے سے. دونوں کو کھلاتے ہیں, دونوں کو اسے بھی دانا ڈالتے ہیں, کسی بھی پکڑنے کے لیے کچھ لگاتے ہیں. ہمارے یہاں وہ ناریل کو روسٹ کر کے لگاتے ہیں پنجرے میں, وہ جو چوہے کو پکڑنے کے لیے لگاتے ہیں. تو ناریل کو روسٹ کرو تو کیسی خوشبو آتی ہے, بچہ کہتے ہیں اما دے دے, تو ماں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تیرے لیے نہیں ہے, یہ چوہے کے لیے ہے, تمہیں چوہے سے زیادہ محبت ہے, نہیں اس کو پکڑنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں پر حالات لاتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے, ان کے درجوں کی بلندی کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے مشکلوں سے, مشقتوں سے, اور انتہا کامیابی. ان کی ابتدا مشقتوں مشکلوں سے, اور ان کی انتہا
कामयाबी। और बागियों की इब्तिदा ऐश इशरत से और इंतहा नाकामी। फिरौन शद्दाद नमरूद आमान सब की इब्तिदा ऐश इशरत से और सबकी इंतहा नाकामी। और अल्लाह के नेक बंदे इब्तिदा मशक्कतों से और इंतहा कामयाबी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ने बहुत तफसील से कुरान में बयान किया, अहसन अल कसस, जिसको अल्लाह के बेहतरीन किस्सा, वो कैसा प्यारा किस्सा है। तो एक उसका उस किस्से का इब्तिदाई दौर, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का इब्तिदाई दौर हालात पर हालात परेशानियों पर परेशानियां, तकलीफों पर तकलीफें, ये इब्तिदाई दौर है। घर से निकाले गए, भाइयों ने तरकीब देकर घर से निकाल दिया, घर से निकले, मां बाप से जुदा हुए, मिस्र के बाजार में गुलाम बनाकर बेचे गए, फिर एक तोहमत लगाकर जेल खाने में डाल दिए गए। हालात पर हालात आ रहे हैं कि भाइयों की स्कीम चल गई, उनकी स्कीम चल गई, घर से निकले, मिस्र में लाके बेचे गए, फिर जुलेखा की स्कीम चल गई, गुलाम बनाकर वो तोहमत लगाकर जेल में डाले गए। पता नहीं कितना जमाना गुजरा, उर्मा ने लिखा है कि 10 साल जेल में गुजरे हैं। कितने साल? 10 साल जेल में गुजरे हैं। लेकिन वो अपना काम करते रहे। 10 साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल में गुजरे हैं। 10 साल कोई मामूली बात है जिंदगी का? और असल काम की जो जिंदगी है, जवानी की जिंदगी, उसका एक 10 साल का एक हिस्सा 10 साल जेल में गुजरे। लेकिन वो वहां भी अपना काम करते रहे। जेल में कैसे काम करेंगे? माइक लगा के सबको जमा करके बयान करेंगे जेल में? क्या इसका मौका है कि माइक लगा कर जमा करके बयान करो? नहीं, वो एक एक को समझाते रहे, एक एक को समझाते थे, एक एक को अल्लाह से जोड़ते थे कि तुम्हारा मालिक कौन है। वो जमीन और आसमानों का पैदा करने वाला उसी का राजे लिल्लाहि मा फिस समावाती वमा फिल अर्ज, वो कौन है? जमीन और आसमानों का पैदा करने वाला। क्या एक अल्लाह की पूजा करना, उसकी इबादत करना, उसके सर आने सर झुकाना, क्या यह बेहतर है या सैकड़ों की इबादत बेहतर है? तुम बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? तो जेल में भी वो अपना काम करते रहे। फिर वही जरिया बना उनके जेल खाने से निकलकर हुकूमत के तख्त पर आने का। वो दावत देना ही जरिया बना। एक कैदी जो वहां से छुटकर निकला और जिसको इन्होंने ख्वाब की ताबीर बयान की थी, जब बादशाह ने ख्वाब देखा और कोई ताबीर सब दरबारियों के समझ में ना आई, तो उस कैदी को याद आया कि ओहो, वो जो बुजुर्ग है ना जेल में, वो ताबीर कितनी अच्छी बताते हैं, हमारी बताई थी ताबीर वो सही साबित निकली। उसने बादशाह से कहा, मैं एक आदमी जानता हूं, वो जेल में है, वो ताबीर बताना जानता है, उसने हमें बताई ताबीर वो सही निकली। तो बादशाह ने कहा, लाओ जल्दी लाओ उनको। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले मेरे मुकदमे की समाअत करो, फैसला करो कि मेरे ऊपर जो इल्जाम है वो सही है या गलत है। मैं अपने ऊपर इल्जाम रखते हुए हुक्मरानी में नहीं आना चाहता। तो तहकीक हुई तो पता चला कि वो तौबत थी और इल्जाम लगाने वाला खुद मुल्ज़िम था। रास्ता खुल गया।
तो मैं अर्ज कर रहा था कि इब्तिदाई जमाना, इब्तिदाई दौर मुश्किलों का, आजमाइशों का एक दौर गुजरा, पता नहीं कितने बरस गुजरे मुश्किलों के, आजमाइशों के, फिर अल्लाह का गैबी निजाम हरकत में आया, अल्लाह का गैबी निजाम हरकत में आया कि बादशाह के ख्वाब की ताबीर दरबारी ना बता सके, और खैदी को याद आया कि ये बुजुर्ग ये बता सकते हैं, फिर उन्होंने ताबीर बताई कि 7 साल फसलें होंगी बहुत जबरदस्त बप्पर क्रॉप, और फिर 7 साल आएगा कहत, तो 7 साल की फसलों को कहत के आने वाले 7 सालों के लिए महफूज करो, और तरीका भी बताया कि उन्हें बालियों में से न निकालो, जितनी जरूरत है उतनी निकालो, बाकी बालियों में रहने दो, वरना सब निकाल दोगे तो खराब हो जाएंगे। फिर जब कैद का जमाना आएगा तो ये बचाया हुआ 7 साल का काम आएगा, और उसके बाद 14 साल के बाद बीज बोने के लिए भी तुम्हारे पास होने चाहिए। 15 साल की स्कीम बताई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, 15 साल प्लान, बादशाह ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है, ये 15 साल यूं संभालना मेरे बस का नहीं है, तुम चला सकते हो? उन्होंने कहा कि हाँ इन्नी हाफिज अली मैं जानता हूं, तो बादशाह ने कहा लो तुम्हारे हवाले है। मिस्र की हुकूमत यूं मिली, और इब्तिदाई दौर आजमाइशों का मशक्कतों का। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हालात से आदमी घबराए नहीं, उसी का नाम है इस्तेकामत। कभी हालात दूसरों की तरफ से होते हैं, कभी हालात अपनों की तरफ से होते हैं। अपनों की तरफ से जो होते हैं वो ज्यादा सख्त होते हैं, दूसरों की तरफ से जो होते हैं वो इतने सख्त नहीं होते, जो अपनों की तरफ से आते हैं वो ज्यादा सख्त होते हैं। उस सबको बर्दाश्त कर रहा हूं और झेल कर निकलना, फिर अल्लाह हालात को बदलता है, अल्लाह हालात को बदलता है। किसी मौके पर किसी वक्त मायूस नहीं होना है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मायूसी कुफ्र है, क्योंकि जिसे अल्लाह पर यकीन है कि मेरा अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, और कुदरत वाला ही नहीं है, वो बड़ा मेहरबान है, अल्लाह रऊफ बिल इबाद, वो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, उसे आन की आन में हालात के बदलने में देर नहीं लगती, उसे कुदरत है। हालात आए हैं ये उसकी कोई हिकमत है, और हालात को बदलना ये उसकी कुदरत है। तो हम अल्लाह की कुदरत पर यकीन करेंगे, फिर अल्लाह से मांगेंगे और उम्मीद रखेंगे कि हमारा अल्लाह, वो हमारा अल्लाह, वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। तो मेरे भाइयों, अभी ये गुज़िश्ता चंद सालों में जो हालात गुजरे, और जिसमें एक बड़ी मखलूक परेशान हुई, सारी दुनिया में एक मखलूक परेशान हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मोमिन को ईमान का सहारा है, मोमिन को ईमान का सहारा है, बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा सहारा है कि हालात आए लेकिन उन हालात से निकालना ये अल्लाह का काम, बदलना अल्लाह का काम है। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह से, उस पर यकीन करते हैं, उससे उम्मीद रखते हैं कि वो मालिक हमें निकालेगा। और भाई, अभी हमारे गुज़िश्ता नवंबर में मुल्कों के अहबाब से जो राय वगैरह ली गई, एक हमारे जिम्मेदार हैं डेट्रॉइट के शरीफ अब्दुल अजीज, वहां के बहुत पुराने लोगों में जिम्मेदारों में, तो हम बात कर रहे थे हमारे मुल्कों के जिम्मेदारों से कि भाई देखो जितनी गुंजाइश है इतना काम करो, लेकिन काम छोड़ना नहीं, मायूस होके नहीं बैठना। शैतान के बिठाने का एक जरिया
बहुत बड़ा जरिया यह है कि शैतान मायूस कर देता है, क्योंकि मायूस हो जाने के बाद आदमी अपने को अमल का मुकल्लफ नहीं समझता, मायूस हो गया आदमी कम करेगा, क्यों कि मायूसी ने उसे बिठा दिया है। तो हम कह रहे थे उनसे कि देखो, मिसाल देके कि देखो भाई, हाईवे पर बोर्ड लगे हुए होते हैं, यहाँ कितना चलाना चाहिए, कितनी स्पीड जाना चाहिए, यहाँ 60 किलोमीटर जा सकते हैं, यहाँ 80 किलोमीटर जा सकते हैं, या हाईवे पर बोर्ड होते हैं, तो जहां 60 है वहां 60 चलाओ, जहां 80 है वहां 80 चलाओ, बेशक कानून को तोड़ो मत, पाबंदी करो, लेकिन उस पाबंदी के साथ जितना कर सकते हैं उतना तो करो। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही, उन्होंने यह कहा कि हमारे यहां अगर 80 की लिमिट है और कोई 60 चलाता है उस पर भी फाइन डालते हैं। लिमिट 80 की है तो 60 क्यों चला रहा है, उस पर भी फाइन डालते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई 80 की लिमिट है, कोई 90 चलाए तो फाइन डालना समझ में आता है कि 80 की लिमिट तुमने 90 क्यों चलाया, 60 की लिमिट तुमने 70 क्यों चलाया, तो 80 की लिमिट पर 60 चलाए तो ये फाइन क्यों डालते हैं, ये तो समझ में नहीं आया। वो कहने लगे कि उसको फाइन इसलिए डालते हैं कि पीछे जो 80 चलाने वाला चलाना चाहता है तू उसके लिए रुकावट बना हुआ है, तू 60 चला रहा है तो 60 चलाकर 80 की लिमिट में जो पीछे 80 चलाना चाहता है उसके लिए तुम रुकावट बने हुए हो, इसलिए तुम्हें फाइन डालना चाहिए। तो मैं कहने लगा या अल्लाह, तू हम तबलीग वालों को फाइन मत डाल, क्या हम अपनी इस्तेदाद देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं जिस कितना जा सकते हैं उतना जाओ, करे नहीं 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 एहतियात। अरे भाई एहतियात ठीक है, लेकिन एहतियात के माने ये थोड़ी है कि 80 है तो 60 जाओ, 80 है तो 80 तक जाओ, तो फिर अल्लाह कहे हमें फाइन ना डाल दे, क्या हम दूसरों के लिए न करने का या कम करने का सबब ना बने। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन ये थोड़े से जो हालात गुजरे, फिर अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उनसे निकाला, अल्लाह ने उनसे निकाला। तो अब भाई हमारा मशवरा यह है कि हम देखें कि कितना हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उसमें कमी ना करें, उसमें कमी ना करें, जो पाबंदी है उसे भी अख्तियार करें, और जितना कर सकते हैं उसमें कोई कमी भी ना करें। मायूस होकर बैठ जाना नहीं है। बस मैं एक आखिरी किस्सा सुनाकर भी अपनी बात खत्म करता हूं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बुजुर्गों में गुजरे हैं। तो वो जा रहे थे शिराज, उनका वतन था, तो शिराज से वो जा रहे थे बगदाद इल्म हासिल करने के लिए। बगदाद उस जमाने में मरकज था, हर चीज का मरकज था, उलमा का भी मरकज था, इल्म का भी मरकज था, सूफिया का भी, बुजुर्गों का भी मरकज था, और सल्तनत बनू अब्बासिया का दारुल खिलाफा था बनू अब्बास का। तो ये जा रहे थे शिराज से बगदाद इल्म हासिल करने, गरीब आदमी थे, कोई सवारी नहीं थी इनके पास, तो पैदल चले शिराज से बगदाद, पैदल चले, कोई इनके पास सवारी नहीं, न कोई ऊंट न कोई घोड़ा, रास्ता सख्त था, पथरीली जमीन थी, चलते चलते इनके जूते टूट गए, सख्त जमीन जूते टूट गए। जब जूते टूट गए तो उन्होंने वो निकाल के फेंक दिए और पैदल चलने लगे। जिस जमीन पर जूते फट गए हों उस पर पैरों का क्या हाल हुआ होगा, थोड़ी देर में पैरों में जख्म आ गया, पैर जख्मी हो गए, काबिले आ गए और चलने के काबिल ना रहे। तो रास्ते से हटकर एक किनारे बैठ गए, रास्ते से हटकर एक किनारे,
और उनको बड़ा रोना आया, बहुत रोना आया, रोए बहुत रोए। ये कैफियत होती है, ये कैफियत होती है कि आदमी का दिल भर आता है। वो कैफियत ऐसी होती है कि उससे आदमी फायदा उठाकर अल्लाह से करीब हो जाए, लेकिन उसे गंवा देते हैं हम इधर उधर की बातें करके, किसी पर इल्जाम डालकर, किसी को उसका वजह जरिया बताकर। लेकिन ये वक्त होता है कि आदमी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह से करीब हो जाए, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तो टूटे हुए दिलों के करीब, मैं तो टूटे हुए दिलों के पास हूं। तो शेख सादी को बहुत दिल दुखा और वो बहुत रोए। रोना किस बात पर? रोना इस बात पर उनको आया कि या अल्लाह, अगर मेरे पास सवारी होती तो मैं अब तक बगदाद पहुंच जाता, और बगदाद पहुंच के क्या करते हैं? कोई मुलाजिमत करते हैं, कोई तिजारत करते हैं, कोई दुनिया कमाते हैं, क्या करते हैं? वो तो दीन का इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे, कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, उसका इल्म हासिल करते। इस पर उन्हें रोना आया कि मेरे पास सवारी नहीं, और अल्लाह मेरे तो जूते भी फट गए और मेरे तो पैर भी जख्मी हो गए, मैं तो चलने के काबिल भी नहीं रहा। इस पर रोए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि उस रास्ते पर, जिस रास्ते से ये हटकर बैठे थे, उसी रास्ते पर एक आदमी जा रहा है, उसकी टांगे ही नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से तरबियत का इंतजाम। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उस रास्ते पर जा रहा है, उसके उसकी टांगे ही नहीं है। तो ये कहने लगे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैं इस पर रो रहा हूं कि मेरे पास सवारी नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, एक तेरा वो बंदा भी है जिसके पास टांगे ही नहीं है, और वो दो हाथ दो पैर पर सरकता जा रहा है। जिसकी टांगे नहीं होती है वो दोनों हाथों के सहारे रेंगते हुए सरकते हुए जाता है। तो एक तेरा बंदा है जो सरकते हुए जा रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर उनको एक अज्म मिला, अज्म अज्म अज्म, वो दिल का इरादा, आदमी के दिल के अंदर पैदा होता है। उनको अज्म यह मिला कि एक आदमी पैरों के न होने के बावजूद वो मंजिल के सफर से रुका नहीं और रास्ते से हटा नहीं, और मैं रास्ते से भी हट गया और मंजिल के सफर से भी रुक गया। एक अज्म मिला उनको, यह अज्म जो है किसी बुजुर्ग से नहीं मिला, किससे मिला? लंगड़े से, एक माजूर से। फिर वो खड़े हो गए और उनको फिर अल्लाह ने बगदाद पहुंचाया, और फिर उनको वो इल्म मिला कि जो इल्म आज तक, जो उनकी किताबें हैं हमारे मदरसों में आज तक पढ़ाई जा रही है, आज तक उनका इल्म नाफे पढ़ाई जा रही है। तो मेरे भाइयों, मुझे बस ये अर्ज करना है कि अल्लाह ने हमें भी एक रास्ता दिया है। पहले दिन से यहां से मुजाकरा हो रहा है कि हम खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें एक काम के लिए कबूल फरमाया है, एक रास्ते पर अल्लाह ने हमें डाला है, अल्लाह ने हमें डाला है। ये कोई हमारा हक नहीं था जो हमें मिला, ये तो अल्लाह का करम है कि उसने हमें एक रास्ते पर डाला है। बस भाइयों, बात सिर्फ इतनी है कि हालात की वजह से, किसी वजह से, किसी वजह से भी हम रास्ते से न हटें और मंजिल के सफर से न रुकें, ये इस्तेकामत है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि हम यहां इसलिए जमा हुए हैं कि अल्लाह हमें अपने काम के लिए कबूल फरमा ले, अल्लाह हमें अपने काम के लिए कबूल फरमा ले,
और हमसे उस तरह काम ले ले जिस तरह काम लेना अल्लाह को पसंद है, उसी के मुजाकरे हैं कि अल्लाह हमें हमारी जिंदगी में पैदा फरमा दे। बस आखिरी बात भाई ये है कि नियत करें, इरादा करें कि अल्लाह ने हमें एक रास्ता दिया है, हमें एक रास्ते पर डाला है। हम बहुत से, मैं एक किस्सा सुनाता हूं, हमारे बुजुर्गों में एक थे कर्नल अमीरुद्दीन साहब, पुराने लोगों में इंतकाल हो गया, अल्लाह ने उसे बड़ा काम लिया। उनके पास जमात गई, ये जो रोजाना की मेहनत है ना, वो जो कल मुजाकरे हो रहे थे, दो दो की जोड़ियां बनाओ, घर घर छानो, घर घर जाओ, बड़ी दौलतें उम्मत में अल्लाह ने रखी है, जैसे जमीन के अंदर खजाने हैं उससे बड़े बड़े खजाने इंसानों के अंदर हैं। वो घरों में बंद है, घरों में बंद है। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमा करते थे कि घर तो औरतों के रहने की जगह है, तुम मर्दों की थोड़ी है। उनकी बातें याद आती है। वो कहते थे अरे घर तो औरतों के रहने की जगह है, तुम मर्दों के रहने की जगह थोड़ी है। तो बड़ी बड़ी सलाहियतें उम्मत में, और वो उन सलाहियतों को जैसे जमीन को खोद कर उसके अंदर से सूरा चांदी जमीन खाने हैं उनमें निकाली जाती है, इस तरह ये घर घर की मेहनत से इंसानों की सलाहियतें रुख पर पड़ती है, रास्ते पर पड़ती है। तो जमात गई उनके घर पर, कर्नल साहब अंग्रेज की फौज में कर्नल थे, और उस जमाने में कर्नल का ओहदा हिंदुस्तानियों को नहीं मिलता था, अंग्रेजी होता था कर्नल। तो इनके बंगले पे गार्ड राइफल लेके खड़ा हुआ, उससे जाके जमात ने दरखास्त की कि जरा हमें साहब से मुलाकात करा दो। उसने देखा कि अच्छे लोग मालूम होते हैं, टोपी जुब्बा दाढ़ी जहाद पे तस्बीह, उसे बहुत रहम आया। उसने कहा कि अच्छा मैं जरा साहब से इजाजत लेके आता हूं। वो अंदर गया, उसने जाकर कर्नल साहब से कहा कि साहब कुछ मौलवी लोग आपसे मिलने आए हैं। तबली वाले तो सब मौलवी लगते हैं ना, कुछ मौलवी लोग आपसे मिलने आए हैं। तो कर्नल साहब ने सोचा कि मौलवी आए हैं तो क्यों आते हैं, आम ख्याल क्या है लोगों का, ये चंदा करने आए होंगे, कोई मस्जिद कोई मदरसा कोई यतीम खाना, तो एक दो होते तो कुछ दे के रवाना कर देता, ये तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कितनी लंबी वो डिमांड करेंगे। तो किसी तरह इनसे बचना चाहिए, किसी तरह इनसे, तो उनको ख्याल आया, उन्होंने ये कहा कि जाकर कह दो कि साहब घर में नहीं है, साहब घर में नहीं है। वो सेंट्री आया बाहर और उसने आकर ये कहा जमात से कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं है। उसे सारा भांडा फोड़ दिया कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं है। कर्नल साहब ने भी सुन लिया कि मेरा गार्ड क्या कह रहा है, उन्होंने भी घर में सुन लिया। तो शरीफ आदमी थे, उनको बड़ी शर्म आई कि मेरा तो भाड़ा फूट गया। वो फौरन बाहर निकले और उसको डांटा, अरे तुझे मैंने ऐसी कहा था, तो वो गरीब क्या कहता, सब यूं ही कहा था आपने, उसकी तो छुट्टी हो जाती फिर उसकी। बस वो दिन था कि वो तबलीग में लगे लग गए और आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। पहली जमात हिंदुस्तान से जो इंग्लिस्तान गई उसके अमीर थे कर्नल साहब। लेकिन भाई वो लगना चाहते थे कि बचना चाहते थे, अल्लाह उन्हें लगाना चाहता था, अल्लाह ने उनको लगाया, अल्लाह ने लगाया। तो भाइयों ये सिर्फ एक कर्नल साहब का किस्सा नहीं है, हम में बहुत सौ का यही किस्सा है, हम में से बहुत सौ का यही किस्सा है कि जब सबसे पहले ये जमातें हमारे पास आई तो हम लगना चाहते थे कि बचना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें लगाया, हमें एक रास्ते पर डाला अल्लाह ने, एक रास्ते पर अल्लाह ने हमें डाला, हमें एक रास्ता दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक रास्ता दिया है, हमें एक रास्ते पर
ढाला है। लोग जिंदगी जाया कर देते हैं। वो पहले कहते हैं कि एक कीमिया नाम की कोई चीज होती थी, पता नहीं होती भी थी कि नहीं होती थी, लेकिन मशहूर है कि कीमिया नाम की एक चीज होती थी, वो उसको जिस पर लगाओ वो सोना बन जाता था, लकड़ी लोहे पर जिस पर लगाओ वो सोना बन जाता था। तो लोग कीमिया की तलाश में जिंदगियां गंवा देते थे, जंगलों में पहाड़ों में, कि यहां मिलता है वहां मिलता है, वो जानता है ये जानता है, तो लोग कीमिया की तलाश में जिंदगियां गंवा देते थे। आखिर में पता चलता है कि ये ना वो जानता है ना ये जानता, कोई नहीं जानता, तो लोग जिंदगियां गंवा देते थे। आखिर में हाथ कुछ नहीं आता था। तो भाइयों एक रास्ता दिया है अल्लाह ने, मंजिल की तरफ हमें बढ़ाया है, मंजिल के एक रास्ता दिया है। बस दो बातें हैं, नियत करो कि इंशाअल्लाह शेख सादी की तरह जो उनको अज़्म मिला कि माजूर अपनी माजूरी के बावजूद रास्ते से नहीं हटा, मंजिल के सफर से नहीं रुका। तो भाइयों हम भी नियत करें कि अल्लाह तूने हमें एक रास्ता दिया, अपने कर्म से दाया, अपने कर्म से हमें तूने एक रास्ते पर डाला, अल्लाह तू हमें, हम नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह मंजिल के सफर से, बोलो भाई मंजिल के सफर से नहीं रुकेंगे और रास्ते से नहीं हटेंगे। हालात तो हालात हैं, वो आनी जानी हाल उसी जमाने को कहते हैं जो रुकने वाला नहीं है, वो तो चलते रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने रास्ते पर जमे रहेंगे, मंजिल की तरफ सफर करते रहेंगे। तो नियत करो कि इंशाअल्लाह रास्ते से, बोलो भाई नहीं हटेंगे, रास्ते से और मंजिल के सफर से नहीं रुकेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए।